किसान जिंदाबाद। इब्तदा है उस रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों। आपको खुशाब टीवी की तरफ से उसामा असलम का सलाम पहुंचे। नाजरीन, जब चारों तरफ पहाड़ हों, ऊंचे ऊंचे सब्ज सरसब्जो शादाब दरख्त हों और बीच में से एक आबशार और एक चश्मा फूट रहा हो जो मीठे पानी और मीठे और साफ़ और ठंडे पानी से मुजयन हो, तो किसका दिल नहीं चाहेगा कि वो पानी पिए। और इससे भी ऊपर बात ये कि वहाँ पर एक दिलकश स्विमिंग पूल भी मौजूद हो तो किसी का नहाने का दिल नहीं चाहेगा, मेरा भी चाह रहा है। तो आइए लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं वो कहाँ से आए। अब भाई एक तैरते हुए आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है जी? सर जी आपका नाम? मोहसिन नाम है जी मेरा। ये आप कहाँ से आए भाई जान? इलाका तो मेरा यही है, लेकिन वैसे जो जॉब मेरी है वो मैं सरगोधा में कर रहा हूँ, तो सरगोधा से इधर आया हूँ। आपको पता है नीचे वाले एरिया में गर्मी बहुत होती है, अब इस पानी को आप हाथ लगाएं तो बिल्कुल ठंडा पानी है। इंजॉय करें आके। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम, आप कहाँ से आए हैं? मैं जामिया बेसच यूनिवर्सिटी से आया हूँ। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर। अच्छा, आप चनियोट में इतनी गर्मी है कि वहाँ पे स्विमिंग पूल अवेलेबल है चनियोट में? जी जी, उधर गर्मी तो है लेकिन स्विमिंग पूल भी अवेलेबल है वहाँ पे। तो इतना ऐसा पानी आपको वहाँ पे मिल मैसर है? जिस तरह स्विमिंग पूल में है तो ये तो सारी बात है, कुदरती पानी है, इसके नेचुरल पानी है, इसको तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो वहाँ पे फिर जो पानी है वो घुमा फिरा के वहीं से लेके आते हैं, लेकिन जो इधर मज़ा है वो वहाँ तो नहीं है। अच्छा, और आपका क्या दिल करता है अगर आप कभी आएँ इदारे के अलावा तो आप किसके साथ आना चाहेंगे? किसके साथ आना चाहूँगा? सारी बात है, जब से मैं मतलब थोड़ा बड़ा हुआ तब से मैं इदारे में आ गया हूँ, तो अभी मेरी हर चीज़ इदारा ही है। तो मुझे सबसे ज़्यादा तभी खुशी होगी जब मैं अपने इदारे के दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ ही दे रहूँगा। उसके अलावा अगर घर हों तो घर में तो हम टाइम जो है ना कम स्पेंड करते हैं, तो घर में सारी बात अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे। जी अब लोगों से तो बात कर ली, अब मैं खुद जाकर चेक करता हूँ पानी अंदर क्या सूरत हाल है। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं नाजरीन, मैं स्विमिंग पूल के अंदर, काफ़ी ठंडा पानी है माशाल्लाह। और आप देख रहे हैं कितना मज़ा आ रहा है, आप भी आए। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम भाई जान, आपका नाम? मेरा नाम फरहान है जी। आप भाई जान कहाँ से आए हैं? इधर से आए, चकवाल से। अच्छा, तो इतने ठंडे पानी में एक चश्मे के अंदर उसका स्विमिंग पूल बनाया गया, तो आपको इस चश्मे में, इस स्विमिंग पूल में क्या कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, काफ़ी ठंडा पानी है। अभी मैं आया हूँ गर्मी से। अच्छा, तो इधर आकर तो पता ही नहीं चल रहा, अभी ठंड लग रही है मुझे तो इतनी। अब आपने अपनी गर्मी दूर कर लिया तो इसके मतलब कोई शेर दस दो। क्या हुआ दिल पे सितम, तुम न समझोगे बलम, बेवफा नहीं है हम इस मोहब्बत की कसम। वाह 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 वाह, मैं तेरी पैसा ते जागीर होंदी ते दुश्मन दा उच्चा चवारा ना होंदा, मैं बुला देवा उस बेवफा नू कदी मेरे दिल नू प्यारा ना होंदा, ते मैं अशरू मुलवी खरीदन तू कोई नहीं रहना, कदी गुरबत आला मैनू खसारा ना होंदा। नाजरीन, यहाँ पर एक ट्रिप आया हुआ है नीलावान से, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? जी मेरा नाम काजिम रजा है जी। आप कौन से इंस्टीट्यूट से हैं? जी मैं अलबेसत ट्रस्ट का एक स्कूल है, बेसत हायर सेकेंडरी स्कूल, उनका ट्रिप लेके यहाँ पे आया हूँ। ये कहाँ पे होगा? ये चनियोट के करीब वाक़ है। तो बच्चों को आप यहाँ पर लेकर आए हैं, तो आपको ये कैसा लगा सबसे पहले ये बताएं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हम सियाहत के लिए दूर उफ्तादा इलाकों का रुख करते हैं, जहाँ का हमें बजट भी और टाइम भी बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं। बल्कि वक्त के साथ साथ अब लोगों में शऊर आ रहा है कि ये चकवाल जो है या पूरा पटोहार रीजन जो है, ये हर किस्म की सियाहत से माला माल है। यानी आपने एडवेंचर टूरिज़म करना हो या आपने हाइकिंग करनी हो, लाइट सी, हर किस्म का जो है, हर किस्म के टूरिस्ट के लिए यहाँ पे दिलचस्पी के मौके मौजूद हैं।
और आपने ये नीचे वादी सून, नीचे जब वादी सून में भी काफ़ी सारी आबशारें हैं, ये नीला वाहन है, और बच्चों को कैसा लगा यहाँ का पॉइंट? हम लोग सुबह से चले हुए थे, अगरचे मैं यहाँ पहुँचते हुए बहुत वक्त लगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और कुछ हमारा लॉजिस्टिक सड़कों की हालत भी कुछ बेहतर नहीं, और यहाँ तक पहुँचने में भी क्योंकि हम आदि नहीं होते इस तरह से हाइकिंग के, काफ़ी वक्त लग जाता है। अलबत्ता बच्चों ने इस तकलीफ़ के बावजूद जो है बहुत इंजॉय किया बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ जो है वहाँ पे भी कुछ थोड़ा सा खाने पीने का, ख़ास तौर पे साफ़ पानी पीने का इंतज़ाम होना चाहिए। अगर हुकूमत नहीं कर सकती तो यहाँ के मकामी लोगों को चाहिए, एक तो रोज़गार हो जाएगा उनके लिए, और दूसरा जो सयाह यहाँ पे आते हैं वो भूखे प्यासे, अगर मतलब पहले से मालूम ना हो, हम तो खैर अपना खाना और पानी वगैरह लेके आए थे, हम जानते थे, हमारे यहाँ पे मकामी मेज़बान थे, उन्होंने हमें बताया हुआ था, लेकिन जो लोग पहली दफ़ा आ रहे हैं उन्हें चाहिए कि अपने साथ पीने का पानी खसूसन, खाने के लिए अपना सामान जो है वो यहाँ पे लेके आएँ, यहाँ पे अच्छी सहूलियात नहीं है खाने पीने के हवाले से। आपका क्या नाम है? मोहसिन अली। आप कौन सी क्लास में हो? सेवन्थ। अच्छा, आप ये बताओ, आप नीचे अभी गए हो या इधर स्विमिंग पूल में आप रहे हो? यहाँ नीचे गए और नहाए हैं बस, यही है। स्विमिंग पूल में भी गए हो? जी। तो आपको कैसा लगा? बहुत मज़ा आया। अच्छा, पानी ठंडा था? जी। सर्दी नहीं लगी? लगी थी थोड़ी, शुरू शुरू में तो लगी होगी। सही, शुरू शुरू में लगी थी, लेकिन बाद में जब मज़ा आ रहा था तब नहीं लगी। आप यहाँ पर नीचे गए हो या ऊपर तक रहे हो? नीचे गए। अच्छा, नहाए हो? जी, बहुत मज़ा आया।